ओम शांति, आप सबको स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 8 अगस्त के ईश्वरी वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं और बड़ी बड़ी बातों को हम छोटा बना दें। लेकिन उसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने अंदर मन को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा कि हम बाहर की बातों को और दुनिया के तरीक़ों से हम सोल्यूशंस खोजने की कोशिश करें। तो कोई भी बड़ी बात को छोटा बना देना और कोई भी छोटी बात को बड़ा बनाना, ये हमारे हाथ में है। परमात्मा कहते हैं हमारे ऊपर है, लेकिन हम ये आध्यात्मिकता के हिसाब से समझ सकते हैं, मेडिटेशन करने के बाद समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है कि हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं और हम कंप्लेन करने की जगह, क्रिटिसाइज़ करने की जगह, ब्लेम करने की जगह हम अपने ऊपर सारा फोकस ला सकते हैं कि अभी मुझे इसका सोल्यूशन ढूंढना है। परमात्मा कहते हैं किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। ये हमारे ऊपर तो ये हमारा स्वभाव है, हमारी नेचर जिसको कहते हैं हम, कि ये तो मेरी नेचर में है कि मैं कोई भी छोटी बात को बड़ा या कोई भी बड़ी बात को मैं छोटा बना लेता हूँ मैं। फिर परमात्मा कहते हैं तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, अब माया का मतलब क्या हुआ, या तो कोई क्रोधी व्यक्ति आपके सामने आए, या तो कोई अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आए, कोई गलत करने वाला आपके सामने आए, कोई झूठ बोलने वाला आपके सामने आए, कोई बहाने मारने वाला आपके सामने है, कोई आलस्य करने वाला आपके सामने है, आप बॉस हैं, आप घर में हैं, किसी ने कोई गलती करी, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपके अनुसार काम नहीं किया, आपको इरिटेशन आ सकता है उससे। तो एक तो हुआ किसी ने कुछ किया आपको, बोला गुस्से से, अहंकार से, घृणा से, नफरत से, और एक हुआ कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें, घृणा, नफरत, अहंकार आपके अंदर खुद आया। तो या तो हम उसको हम बड़ा कर दें या तो फिर उसको हम छोटा कर दें। तो माया हमारे अंदर से भी आ सकती है, माया किसी और के अंदर से भी हमारे प्रति आ सकती है। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। अब बड़ा कैसे बने? परमात्मा पिता कहते हैं कि जब हम आध्यात्म के अनुसार से अपने आप को आत्मा समझते हैं और हम हर एक आत्मा के पार्ट और ड्रामा को हम पहचान जाते हैं और हम ये सारे ज्ञान को पहचान जाते हैं कि कलयुग में हम किसी से कोई बड़ी इच्छा नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसी के अनुसार ही हमें व्यक्ति मिलता है ज़्यादातर। तो हमारी जैसी वाइब्रेशंस है उसके अनुसार हमें वो व्यक्ति मिलता है, और हम जैसे पूरे दिन अपने साथ बातें करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, उस अनुसार ही हमें व्यक्ति मिलता है। अगर हम बहुत कंप्लेन करते हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लोग ऐसे हैं, रिलेशनशिप ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं, अगर हम कंप्लेन करते रहते हैं तो वैसी ही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में और बढ़ती जाती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हम छोटे को बड़ा बना सकते हैं या बड़े को छोटा बना सकते हैं। अब छोटा बनाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी है। अब साइलेंस का मतलब ये नहीं होगा सिर्फ बाहर का साइलेंस, लेकिन वो हम अंदर का साइलेंस सीखते हैं कि अंदर का साइलेंस कैसे हो। जो अंदर हमारे साथ में बातें चलती रहती हैं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, वो व्यक्ति बेकार है, ये ऐसे नहीं है, तुम्हारा घर ऐसा ना होता तो तुम्हारा पति ऐसा ना होता, तुम्हारे बच्चे ऐसे ना होते, तो ये जो अंदर बातें चलती रहती हैं इनको कैसे चुप करना है, वो हम सीखते हैं ब्रह्म कुमारी इसमें मेडिटेशन के द्वारा। साथ ही परमात्मा कहते हैं फिर आगे, स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। स्वस्थिति क्या है? या तो मैं दैहिक स्थिति में रहूं दिन भर, शरीर के अनुसार मुझे हर चीज़ में बहुत मैनिपुलेशन, बहुत फोर्स, बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत लड़ना झगड़ना पड़ता है हर चीज़ हासिल करने के लिए। लेकिन एक और जरिया है जो कि पराभौतिक जरिया है, जो कि हम इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, उस पर अगर हमने विजय पाली तो हम कोई भी चीज़ को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें भागने की जगह वो चीज़ हमारे पास आ जाती है, इतनी ताकत होती है उसके अंदर। तो स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। कल्प कल्प की विजय, कल्प होता है 5000 वर्ष का चक्र, जिसको कह रहे हैं 84 का चक्र। ये समझना प्रैक्टिकली, लॉजिकली और इमोशनली भी बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, जिसको कि हम 7 दिन का कोर्स करने के बाद समझ सकते हैं कि हमने मतलब आत्मा ने ये फर्स्ट टाइम सिचुएशन फेस नहीं करी है, ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम फेस नहीं करी है, फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस, या फर्स्ट टाइम हेल्थ की प्रॉब्लम, या फर्स्ट टाइम ये ऑपरेशन, या फर्स्ट टाइम ये पीड़ा, या फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन या ये व्यक्ति हमने फेस नहीं किया। हमने अनेकों बार ये सिचुएशन फेस करी और हर समय हमने बहुत काम ली, कंपोज तरीके से, सहज तरीके से, अच्छे स्वभाव से इसको हमने पार कर लिया था और हम विजय बन के आए थे। ये ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है, ये तो हमारा मन भटकता है आगे पीछे, हम ब्लेम में रहते हैं, फोर्स करते हैं, हम गलतियाँ ढूंढते हैं,
और को ब्लेम करते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ से निकलना है तो ये चक्र को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप सीख सकते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के, बहुत गहरा है। इसके साथ ओम शांति।